तो दोस्तों आज फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी, जहां आपको मिलने वाला है 200 गज में डुप्लेक्स विला, वो भी 4 BHK के साथ, और उसके उसी के साथ आपको मिलने वाला है एक एक्स्ट्रा 7 रूम आपके टेरेस पे। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश शर्मा, आपका दोस्त, आपका होस्ट, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल अपने एड्रेस में। जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग मैंने बताया और आपने हाइलाइट्स में देखा होगा, बहुत ही सुंदर 200 गज में जो विला है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जहाँ फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ टोटल 5 BHK, यहाँ पर टोटल 5 BHK आपको मिलने वाला है। इंटरनल स्टेयर्स के साथ यहाँ पे जो एक्सेस है वो आपको मिलने वाली है। और मैं बात करूँ इसके फ्रंट एलिवेशन की, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और एक जो मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। पूरा ही टाइल वर्क यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और भी कई खास बातें हैं इस विला की जो मैं आपको बताऊं। और फ्रेंड्स एक जो यूनिक फीचर इस विला का जो मैं आपको बताऊं, घर के बिल्कुल सामने आपको 60 फीट की रोड यहां पे मिलने वाली है। आप देख सकते हैं काफी वाइड रोड यहां पे आपको मिलेगी, और सामने वो जो रोड आप देख रहे हैं वो है 100 फीट की रोड, यानी कि 100 फीट की रोड से डायरेक्ट एक्सेस आपको मिलती है 60 फीट रोड पर, और इसी 60 फीट रोड से आप एक्सेस करते हैं अपने विला की तरफ। और यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ बड़ा सा रैंप आपको मिलता है, जैसे ही आप एंट्री करते हैं राइट हैंड साइड में यहाँ पर ग्रीन एरिया आपको मिल जाता है, और यहाँ पे आप देखेंगे काफी बड़ा जो वाइड मेन गेट है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, जहां से कि कार आप पार्किंग तरफ लेके आ सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे अगर आपके पास एक बड़ी कार है इजिली आप यहाँ पे उसे पार्क कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक और छोटी कार है उसको भी आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। तो करीब करीब 3 कारों की पार्किंग यहाँ पे आपको मिल जाती है, यानी कि एक कार आप अपने रैंप में यहाँ इजिली पार्क कर सकते हैं। और ये है इसका ग्रीन एरिया, यहाँ अगर आप देखेंगे काफी अच्छे और डिसेंट साइज का ग्रीन एरिया यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे इजिली जो आप अपनी सीटिंग है वो यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, यहाँ पर प्रॉपर जो टाइल वर्क है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है एलिवेशन पे, जिससे कि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफी हद तक या लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आता है इसका मेन एंट्री डोर, यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ पर बड़ा सा जो डिजाइनर मैश डोर है वो यहाँ पे दिया गया है, ताकि एक वेंटिलेशन है वो आपके रूम को मिलती रहे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको जो मेन एंट्री डोर है डिजाइनर डोर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, काफी लंबी हाइट का, यानी अगर आपके पास कोई बड़ा सामान भी है इजिली आप उस घर के अंदर लेके जा सकते हैं। और एक और बात फ्रेंड्स, यहाँ अगर आप देखेंगे स्मार्ट लॉक आपको मिलने वाला है, जो कि कीपैड से, आपकी फिंगरप्रिंट से और की से हर तरह से ऑपरेट हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने विला के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम एंटर कर चुके हैं अपने मेन विला की तरफ, और जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे आप एंटर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपको आपके ड्राइंग एरिया की एक्सेस मिल जाती है। बट उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिल जाता है कॉमन वॉशरूम, यानी कि आपका पाउडर रूम, जब भी आपके गेस्ट आते हैं तो ईजिली वो इस पाउडर रूम को यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अब मैं आपको लेके चलता हूँ ड्राइंग एरिया की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से आपको एंट्री मिलती है आपके ड्राइंग एरिया की, तो यहाँ पे आप देखेंगे काफी बड़े साइज का जो ड्राइंग एरिया है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। प्रॉपर जो डिजाइनर फॉल सीलिंग है कंसील लाइट्स के साथ वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। बड़ी सी विंडो यहाँ पे आपको मिलने वाली है, आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉपर डे टाइम में जो डे लाइट है वो यहाँ पे आपके ड्राइंग एरिया को मिलती रहेगी। उसके अलावा यहाँ पर जो आपका जो ग्रीन एरिया है उसका व्यू यहाँ से मिलता रहेगा, और बड़े बड़ी मैश विंडोज यहाँ पे मिल जाती है, तो एक अच्छी क्रॉस वेंटिलेशन यहाँ भी मिलती रहेगी। और पूरे ही वॉल पर यहाँ पर आप देखेंगे वॉल पेपर आपको दिया गया है। उसके अलावा पूरे ही विला में आपको जो प्री फिटेड एसी की पाइपलाइन है वो पूरे ही विला में आपको मिलने वाली है। अब डाइनिंग एरिया और ड्राइंग एरिया को सेपरेट करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर जो वुडन का जो डिजाइन है, यानी कि वुडन की जो पार्टीशन है वो यहाँ पे दी गई है। और एक और बात फ्रेंड्स, ये जो पेंट आप देख रहे हैं डीको पेंट है, काफी कॉस्टली और काफी लॉन्ग लास्टिंग पेंट यहाँ पे आपको मिलने वाला है आपकी आपकी पार्टीशन में। उसके अलावा जो भी वुड वर्क यहाँ पे आप देखेंगे पूरा ही टीक का वुड वर्क यहाँ पे आपको मिलने वाला है, यानी कि क्वालिटी काफी अच्छी मेंटेन की गई है। यहाँ पर आता है आपका डाइनिंग एरिया, और यहाँ पे आप देखेंगे बड़ा सा टीवी पैनल आपको दिया गया। उसके अलावा अगेन यहाँ देखेंगे कि एसी की प्री फिटेड पाइपलाइन आपको मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एक डिजाइनर शैंडलियर आपको मिल जाएगा। इवन आपके डाइनिंग एरिया में भी यहाँ पे प्रॉपर जो फॉल सीलिंग है कंसील लाइट के साथ वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और अगर मैं साइज की बात करूँ आपकी डाइनिंग एरिया की, यहाँ भी काफी जो डिसेंट साइज है वो आपको मिल जाता है, जहाँ आप
6 से 8 लोगों का जो सिटिंग अरेंजमेंट है इजीली यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक सामने यहाँ पे आपको मॉड्यूलर किचन मिलने वाला है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे, यहाँ भी प्रॉपर पार्टीशन के साथ आपके डाइनिंग एरिया और आपके किचन को सेपरेट किया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आता है हमारा मॉड्यूलर किचन। तो यहाँ अगर आप देखेंगे काफी स्पेशियस, काफी बड़ा किचन यहाँ पे आपको मिलने वाला है 200 गज के इस विला में। यहाँ पे आप देखेंगे फाइबर का जो आपकी चिमनी है, ऑटोमेटिक चिमनी है, वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका गैस सिलेंडर की पाइपलाइन है वो यहाँ पे फिट की जाएगी, यानी कि ये स्पेस आपको मिल जाता है आपके हॉब के लिए। और यहाँ डबल सिंक आपको मिल जाएंगे आपके यूटेंसिल वॉशिंग के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल सिंक आपको मिल जाता है। उसके अलावा आपके किचन में स्टोर भी आपको दिया गया, यानी कि अगर आपके पास कुछ ज्यादा एक्सेस सामान है उसको आप यहाँ पे इजिली स्टोर कर सकते हैं। और उसके अलावा भी आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर काफी स्टोरेज आपको मिलने वाली है। उसके अलावा फ्रेंड्स मॉड्यूलर किचन होने की वजह से यहाँ अगर आप देखेंगे काफी स्टोरेज आपको मिलने वाली है। और ड्यूअल कलर थीम जो यहाँ पे यूज की गई है किचन में, और यहाँ से आपको एक्सेस मिल जाती है इस डोर से आपके बैकयार्ड में जाने के लिए। एक रूम से भी आपको एक्सेस मिलती है, बट यहाँ से भी आपको एक्सेस मिल जाएगी। तो किचन में से भी आपको काफी अच्छा वेंटिलेशन यहाँ पे मिल जाएगी। एक आउटसाइड जो वेट किचन है वो भी यहाँ पे सेटअप किया गया, यानी कि अगर आपके घर में कोई छोटा फंक्शन होता है, कोई छोटी पार्टी होती है, तो इजीली यहाँ इस वेट किचन को आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको आपकी वॉशिंग मशीन सेटअप के लिए भी आपको टैप्स दिए गए हैं, और ओपन होने की वजह से अच्छी क्रॉस वेंटिलेशन पूरे ही विला को मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स किचन के बाद अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे टोटल आपको 5 BHK मिलने वाला, जिसमें कि एक बेडरूम आपको मिलेगा ग्राउंड फ्लोर पर, 3 आपको मिलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे, और एक आपको मिलने वाला है सेकंड फ्लोर पे। चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। बट उससे पहले जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इवन इस स्पेस को भी प्रॉपर ब्यूटीफाई किया गया है। जैसे ही आप अपने बेडरूम में एंटर करते हैं यहाँ भी लाइट के साथ प्रॉपर जो फॉल सीलिंग है, डिफरेंट फॉल सीलिंग, वो यहाँ पे आपको मिल जाती है आपके बेडरूम के एंट्रेंस पे। और यहाँ पे आता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। यहाँ भी आप देखेंगे काफी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है आपके बेडरूम में। और यहाँ पे आता है इसका टीवी पैनल। इवन यहाँ पर आपका जो पूजा रूम है, यानी कि आपके मंदिर का स्पेस भी आपको प्रोवाइड किया गया है आपके बेडरूम में। और ये जो डोर आप देख रहे हैं, जैसे कि हमने किचन से देखा था, यहाँ से भी हमें बैक एंड की एंट्री मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ भी काफी बड़ी विंडो आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे आता है इसका स्टोर। इस बेडरूम के साथ आपको स्टोर भी मिलने वाला है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे भी पूरी वॉलपेपर आपको मिलने वाला है, डिजाइनर लाइट्स आपको मिल जाते हैं। फॉल सीलिंग की मैं बात करूँ, यहाँ भी एक अच्छी फॉल सीलिंग आपको मिलने वाली है। और यहाँ पे आता है इसका स्टोरेज एरिया, इसका ड्रेसिंग एरिया और इसका अटैच वॉशरूम। तो यहाँ जो आप देखेंगे जो वॉकिंग क्लोजेट का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे दिया गया। और यहाँ बीच में आ जाता है आपका ड्रेसिंग एरिया, और यहाँ भी इवन देखेंगे यहाँ भी आपको स्टोरेज प्रोवाइड की गई है। तो काफी अच्छी स्टोरेज यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और ये है इसका अटैच वॉशरूम। यहाँ भी अगर आप देखेंगे काफी सुंदर टाइल वर्क यहाँ पे आपको मिल जाता है। इवन जो एंटीस्किड टाइल्स है वो आपको मिल जाएंगी फ्लोरिंग पे। उसके अलावा जगवा की फिटिंग, पूरी ही बाथ फिटिंग यहाँ पे आपको मिलने वाली है पूरे ही विला में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम हमारा ग्राउंड फ्लोर का, और हम पूरा ही ग्राउंड फ्लोर कवर कर चुके हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। तो जैसे मैंने आपको बताया था विला स्टाइल ये घर आपको मिलने वाला है। तो इंटरनल स्टेयर से आपको एक्सेस मिल जाती है फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे इस पूरी ही वॉल पर वॉलपेपर आपको मिलने वाला है, स्टील की जो हैंड रेलिंग है वो आपको मिल जाता है, टफन ग्लास यहाँ पे आपको मिल जाता है आपकी सेफ्टी के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ से हम आते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, और बीचों बीच यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी जो हैंगिंग शैंडिलियर है, यानी कि डिजाइनर लाइट्स है, वो यहाँ पे दी गई है, जो कि आपकी स्टेयर्स की खूबसूरती को इंक्रीज करती हैं। और जैसे ही आप एंटर करते हैं यहाँ भी जो स्टोर है एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए वो प्रोवाइड किया गया है। तो आपने नोटिस किया होगा किचन में भी आपको एक्स्ट्रा स्टोर मिल जाता है, आपके फर्स्ट बेडरूम में भी, इवन फर्स्ट फ्लोर में भी आपको एक एक्स्ट्रा स्टोरेज एरिया यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो काफी स्टोरेज यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और यहाँ पे आता है हमारी फ्रंट बालकनी का स्पेस। तो यहाँ से आप फ्रंट बालकनी में एंटर कर सकते हैं, और यहाँ भी आप देखेंगे काफी बड़ा स्पेस आपको मिलने वाला है। तो यहाँ भी अपनी सिटिंग जो आप प्लान कर सकते हैं मॉर्निंग इवनिंग के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया था घर के ठीक सामने यहाँ पर 60 फीट की रोड आपको मिलने वाली है। और फ्रेंड्स इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम में, यानी कि हमारे विला के सेकंड बेडरूम में। तो यहाँ अगर मैं स्पेस की बात करूँ यहाँ भी काफी अच्छा स्पेस आपको मिलने वाला है। अगेन यहाँ से भी आपको बालकनी का एक्सेस मिल जाएगा, बड़ी सी विंडो, यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर सनलाइट मिलती रहेगी। आप देखेंगे यहाँ पर जो बड़ा सा टीवी पैनल है वो आपको प्रोवाइड किया गया। अगेन यहाँ पे एक हैंगिंग डिजाइनर लाइट आपको मिल जाती है, डिजाइनर फॉल सीलिंग आपको मिल जाएगी। और इस पूरी वॉल पर अगेन आपको वॉलपेपर मिलने वाला है, यहाँ पर भी डिजाइनर लाइट आपको मिल जाती है। और यहाँ पे आता है इसका अटैच वॉशरूम।
इसका स्टोरेज एरिया और इसका ड्रेसिंग एरिया। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया काफी अच्छी जो स्टोरेज है, एक्स्ट्रा स्टोरेज आपको मिलने वाली है सारे ही बेडरूम के साथ। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ भी एक काफी सुंदर जो टाइल वर्क के साथ यहाँ भी आपको आपका अटैच वॉशरूम मिलता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेकंड बेडरूम हमारे विला का। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसको आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको बार की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो ये आप इसको एक एज ए बुक शेल्फ की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्टोरेज आपको मिल जाती है, यानी कि स्पेस को आप जैसे चाहें यूटिलाइज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ भी बीचों बीच आपको फॉल्सिलिंग मिल जाती है, LED लाइट्स इसमें आपको मिल जाती है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पे आता है हमारे विला का थर्ड बेडरूम जो कि हमें मिलने वाला है फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ भी अगर आप देखेंगे जनरल फॉल्सिलिंग आपको मिल जाती है, वॉलपेपर आपको मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे जो हैंगिंग लाइट है डिजाइनर वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। यहाँ पर थोड़ा सा जो कंसेप्ट है वार्डरोब का वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने बेडरूम में देखा था वहां पे वॉकिंग क्लोजेट आपको मिलने वाली थी, बट यहाँ पे आपको नॉर्मल वार्डरोब्स मिलने वाले हैं आप देखेंगे यहाँ पर। बट साइज की मैं बात करूँ फुल हाइट की जो वार्डरोब्स है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है, यानी कि ऊपर अपना अनवांटेड सामान आप रख सकते हैं। ड्रेसिंग एरिया का स्पेस यहाँ भी आपको प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ आता है इसका अटैच वॉशरूम, यहाँ भी आप देखेंगे काफी खूबसूरत अटैच वॉशरूम आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे आता है इसका वेंटिलेशन एरिया और इसका सनलाइट एरिया यानी कि विंडो, यहाँ भी बड़ी सी विंडो आपको मिलने वाली है। तो आपने नोटिस किया होगा हर बेडरूम में आपको बहुत अच्छी वेंटिलेशन बहुत अच्छी सनलाइट यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और ये आता है इसका टीवी पैनल जहाँ आप बड़े से बड़े साइज का टीवी भी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे फर्स्ट फ्लोर के लास्ट बेडरूम की तरफ, यानी कि हमारे विला के फोर्थ बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पे आता है हमारा फोर्थ बेडरूम, अगेन जैसे मैंने आपको बताया था फुल ऑफ वेंटिलेशन फुल ऑफ सनलाइट के साथ सारे ही बेडरूम आपको मिलने वाले हैं। अगेन वॉलपेपर आपको मिल जाता है, डिजाइनर लाइट आपको मिल जाती है, डिजाइनर फॉल्सिलिंग आपको मिलने वाली है। और यहाँ पे भी वॉकिंग क्लोजेट का कंसेप्ट आपको मिल जाता है। यहाँ भी आप देखेंगे ड्रेसिंग एरिया यानी कि हर बेडरूम में आपको ड्रेसिंग एरिया का स्पेस मिलने वाला है और बड़ी बड़ी वार्डरोब्स मिलने वाली है। और यहाँ आता है इसका अटैच वॉशरूम, यहाँ भी आप देखेंगे काफी खूबसूरत जो अटैच वॉशरूम है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है आपके फोर्थ बेडरूम से। और फ्रेंड्स इसी बेडरूम से आपको एक्सेस मिलती है हमारे सेकेंड फ्लोर में जाने के लिए, यानी कि टेरिस एरिया में जाने के लिए। तो इस डोर से हमें एक्सेस मिल जाएगी। और यहाँ पे जो आयरन का जो स्टेयर्स आप देख रहे हैं यहाँ से आप जा सकते हैं अपने टेरिस एरिया की तरफ, जहाँ एक और रूम आपको मिलने वाला है विद अटैच वॉशरूम। अगर आप फुल टाइम सर्वेंट रखते हैं तो आप सर्वेंट रूम की तरह भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप चाहें उसको गेस्ट रूम की तरह या जैसे भी आप उसको यूटिलाइज करना चाहें वैसे कर सकते हैं। उसके अलावा एक बड़ा सा काफी स्पेशियस जो टेरेस है आपकी सिटिंग के लिए वो आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये था 200 गज में बना हुआ 5 BHK का इंडिपेंडेंट डुप्लेक्स विला। होपफुली ये विला और ये वीडियो दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। लोकेशन है अगर मैं इसकी बताऊं आपको, यह है सेक्टर 125 न्यू सन इनक्लेव मोहाली। और जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था विला के प्लस पॉइंट के बारे में, यानी कि विला के ठीक सामने आपको 60 फीट की रोड मिलती है और 100 फीट की रोड से डायरेक्ट एक्सेस आपको मिल जाती है। उसके अलावा मैं बात करूँ स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल या मार्केट या शॉपिंग मॉल की, हर चीज आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलने वाली है इस विला से। इस विला के बारे में अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं या इसको विजिट करना चाहते हैं या इस लोकेशन के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो जो नीचे नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में वहां पर आके आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नई प्रॉपर्टी के साथ। नमस्कार।